तो ये अर्थ सन में गिरने जा रही है, ठीक है, और इसके गिरने का टाइम निकालना है और मैं उसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं एंड सी दिस, ओके। तो मान लेते हैं अर्थ यहां पर रेस्ट पर आ गई है, किसी ने अर्थ की सारी ऑर्बिटल वेलोसिटी खत्म कर दी है और अर्थ सन की तरफ अट्रैक्ट होते होते देखिए यहां आ गई है, ये देखिए अर्थ, सन फिक्स्ड है और ये देखिए अर्थ कितना पास आ गया और यहां पर अर्थ के पास भीषण स्पीड है, ये स्पीड कहां से आई? अरे अर्थ सन के पास आती जा रही है, तो यही आप मान लो कि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक्सेलरेट हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, एनर्जी के हिसाब से सोच लो तो जैसे जैसे पास आ रही है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो आप चाहे जैसे सोचो, तो ये स्पीड आ गई और ये स्पीड बढ़ती रहेगी क्या? जैसे जैसे अर्थ सन के पास आएगी स्पीड बढ़ती रहेगी, अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा तब होगी जब वो सन से टकराएगी, जब अर्थ सन को हिट करेगी तब अर्थ की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, हमें वो टाइम निकालना है। तो चलिए देखते हैं, तो मान लेते हैं अभी तक ये जो सन है ये अर्थ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर आ गए और हमें वो टाइम निकालना है जब एक्स बराबर जीरो हो जाए। यहां पर हम ये मान रहे हैं कि ये डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच की इतनी ज्यादा होती कि उसके सामने सन की रेडियस अर्थ की रेडियस सब नेग्लिजिबल है, यानी दोनों को हम एक पॉइंट मान रहे हैं, सन को भी एक पॉइंट मान रहे हैं और अर्थ को भी एक पॉइंट मान रहे हैं, है ना, कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का इसके सामने रेडियस। वैसे ही आपको डिस्टेंस पता है, मतलब कई बार शायद कुछ सवालों में अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस आया, मुझे याद है स्टीफन्स लॉ में भी एक समय आया था, तो ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो स्मॉल आर होता है कुछ लोगों को पता भी, शायद मुझे भी याद है कुछ 1.5 × 10^11 यही होता है शायद 1.5 × 10^11 मीटर, ठीक है, तो कभी जरूरत पड़ेगा तो ये यूज कर लेंगे, तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। वैसे ये तो मैं निकालूंगा ही कि अर्थ सन में कितनी देर में गिरेगी, लेकिन अगर मुझसे अभी इसी वक्त कोई ये पूछे कि अर्थ नहीं गिर रही, सपोज अर्थ आराम से अपनी ऑर्बिटल स्पीड से चल रही है, कुछ गिरने विरने का खतरा नहीं है, नॉर्मल लाइफ नॉर्मल जिंदगी में तो अर्थ वीओ की स्पीड से चल रही, तो अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? अब यहां दो बातें, या तो आप कैपलर्स थर्ड लॉ याद है आपको तो उसी से सीधे लिख दे, कैपलर्स थर्ड लॉ मैंने बताया था कि टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फिर मैंने कहा था कि आप उसको याद भी रखें, टी का फॉर्मूला पता नहीं क्या था, क्या था, अंडर रूट नहीं नहीं, तो देखो अगर आपको ये नहीं याद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इतनी जल्दी डिराइव किया जा सकता है, इतनी जल्दी, ये लो किसी भी मैरिट का अर्थ के अराउंड घूमने का टाइम ये होता है, यहां पर हम सर्कुलर ऑर्बिट मान रहे हैं वरना परेशान हो जाएंगे, या आप यहां R1 R2 क्यों नहीं ले रहे, सर्कुलर ऑर्बिट मान रहे, और ये वीओ कितनी आसानी से निकल आता है, वीओ तो ऐसे ही निकल आता है कि कौन बनेगा सेंट्रीपेटल फोर्स। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को याद नहीं, जैसे मैं ही भूल गया और फिर मुझे वीओ की वैल्यू निकालनी है, लो आ गया वीओ आ गया और वीओ वहां पे मैंने पुट भी कर दिया, तो यहां से टाइम पीरियड आ जा रहा है 2π वीओ की वैल्यू आ जा रही है अंडर रूट जीएम अपॉन आर, तो 2π और वीओ की वैल्यू अंडर रूट जीएम अपॉन आर। वैसे मैं तो कहूंगा यही वैल्यू याद रखे वीओ के अंडर रूट जीएम अपॉन आर और साथ में एक आर भी है, तो यह आ जाता है 2π और R^3/2 और अंडर रूट जीएम। तो मैंने ये कहा था कि आप ये याद रखें, मैंने कहा था पिछले टर्म पे ये डायरेक्ट याद रखें तो अच्छा है, और ये वैल्यू कितनी आती है अगर जी की वैल्यू रख दे, अर्थ का मास रख दे, स्मॉल आर जो आपने बताया वो रख दे, तो ये 365 दिन आ जाती, नहीं आती है, आती ना 365 दिन से थोड़ा सा ज्यादा, और तभी वो फरवरी 29 दिन की होने लगती है, आपको पता है चार साल में एक बार, 365 दिन प्लस 6 घंटे, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड आ जाता है, वो यहां से निकाला जा सकता है। तो यानी ये हम जानते हैं कि अर्थ अगर अपने प्लेनेट में रिवॉल्व करते रहे, अपने ऑर्बिट में सॉरी, तो वो इतने टाइम में एक चक्कर लगाती है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और ये चीज कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा। अभी तो ये है कि अर्थ को किसी ने रेस्ट पर कर दिया है और वो सन में घुसती चली जा रही है, सन के पास आती जा रही है और हमें पता करना है कितने टाइम में। अब जरा देखिए मेरी प्लानिंग क्या है, अगर अर्थ का ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है कहीं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो
अरे बाप रे, तो टाइम निकालना s is equal to half a t square. दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट से चले और कहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में चले तो s is equal to half a t square, t is equal to under root 2s upon a. लेकिन ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं चल रही, ये भी मुझे पता है. क्यों? क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो वेरिएबल है, और इस पर लगने वाला फोर्स अगर वेरिएबल है तो फिर इसका एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है. इसको करने के कई सारे तरीके हैं, तो आप जो आपको अच्छा लगे. जैसे अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ से करना चाहें तो इस समय अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है जबकि वो एक्स डिस्टेंस पर है वो ये लग रहा है. यही तो लग रहा है. जब अर्थ सन से इतने पास आ गई है कि एक्स डिस्टेंस पे आ गई तो ये फोर्स लग रहा है, और फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को आप चाहे तो डीवी अपॉन डीटी लिखते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, और ये जो dx अपॉन dt है इसको v रख दे. तो यहां पर मैं देख रहा हूं अगर मैं dx अपॉन dt को v रख दूं, वैसे एक बात मैं बोलूंगा तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, लेकिन बोलूंगा dx अपॉन dt को माइनस v लिखने जा रहा हूं. अब यहां बुखार आने लगे कुछ लोगों को, क्योंकि ये जो x है ना बड़ी गंदी चीज है, ये x कम होता जा रहा है. जब कोई चीज कम हो रही होती है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो dx अपॉन dt को v की बजाय माइनस v लिखने जा रहा. ये माइनस अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में ये माइनस सब चौपट कर देगा. तो अगर ऐसा कर दें तो यहां से आ रहा है माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू gm अपॉन x स्क्वायर. देखो कितना सिंपल है. कोई गलती है क्या? हाँ गलती है, ये इधर एक v मिस कर दिया इधर, तो चलो कर देते हैं. अब आगे बताओ क्या प्लानिंग है. यहां से मैं निकाल लूंगा v एज ए फंक्शन ऑफ x जो कि बड़ी जल्दी आ जाए, और फिर v को रखूंगा dx upon dt फिर से, और तब वो टाइम निकालूंगा जब x स्मॉल r से घट के जीरो हो जाए. बस हो गया ना, यही तो करना है. तो पहले तो यहां से v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालने जा रहा हूं. कुछ लोग सोच रहे हैं इसी इंटीग्रेशन से डर रहे थे क्या? ना ना ना, इससे नहीं डर रहे, अभी पता चलेगा कुछ थोड़ी देर. जब x is equal to small r है तब बताइए v कितना. रेस्ट से अर्थ छोटी थी वहां, और जब x कोई जनरल x है तब v भी कोई जनरल v है. ये जो माइनस साइन है मैं इसको उस तरफ कर दूं, ठीक है? तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये हो जा रहा है v square by 2 इधर आ जाए, उधर आ जाएगा. 1 upon x square का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 upon x square का इंटीग्रेशन minus 1 upon x होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वो 1 upon x बचेगा. लिमिट रखने के बाद पहले अपर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट ये सही. ये 1 upon x minus 1 upon r, और ये एकदम सही. आप चेक कर लें कि दोनों तरफ चीजें पॉजिटिव भी हैं. कहीं इस स्टेज पे हमसे गलती ना हो गई तो मैंने ये देखा कि x जो है वो r से छोटा है, अरे देखिए इधर, और अगर x r से छोटा है तो 1 upon x 1 upon r से बड़ा होगा. तो यहां पर ये सही है, ये सही जा रहा है. ओके, अब मैं v को dx upon dt लिखते जा रहा हूं, लेकिन फिर वही गलती ना हो तो v को minus dx upon dt लिखो. सोचो यार बार बार क्यों minus dx upon dt आ रहा है, क्योंकि x कम होता जा रहा है. तो मैं v को minus dx upon dt लिखने जा रहा हूं. पहले तो यहां से v कितना आएगा, अच्छा लिख ही देते हैं. v यहां से आ जाएगा एक हैवी सा अंडर रूट और 2 gm और 1 upon x minus 1 upon r. अब v को मैं माइनस dx अपॉन dt लिखने जा रहा हूं, माइनस dx अपॉन dt बाद में लिख दूंगा. x का टर्म इधर ले आता अंडर रूट 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन r. अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने v को माइनस dx अपॉन dt लिखा, dt को उस तरफ करके और x का पूरा फंक्शन यहां नीचे ले लिया, और इधर देखें क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 gm, ये फालतू में बोझ की तरह बना हुआ है, रहेगा ही रहेगा, और साथ में सिर्फ dt. अब हम यहां पे इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं. टाइम जीरो पर x की वैल्यू r है, और हमें वो टाइम निकालना है. टाइम को क्या कहें, कुछ कैपिटल t1 कह देते हैं. कैपिटल t किसी और काम के लिए है, वो टाइम पीरियड है, तो t1 कह दे रहे हैं, और वो टाइम निकालना है जब x कितना हो जाए
एक्स जीरो हो जाए। तो वहां पर देखिए उधर तो टी वन आ जाएगा, इधर वाला इंटीग्रेशन आप सॉल्व करके बताइए। अगर आपने बता दिया इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ये। चलिए इसको लिख लेते हैं। अरे वाह भाई आपने तो बड़ा सिंपल कर दिया। ओके आर माइनस एक्स को टी स्क्वायर कर दे, नहीं यही पे कर लेते हैं ठीक है। तो यहां से आ जा रहा है माइनस डी एक्स इज इक्वल टू टू टी, है ना यही तो होगा। और dx की वैल्यू अगर वहां पे रख दे तो ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को एक नाम दे देते हैं आई, कैपिटल आई, डरावना इंटीग्रेशन, कैपिटल आई नाम दे दिया। अब देखते हैं तो ये हो गया अंडर रूट आर, ये तो पहले से ही था। अंडर रूट एक्स की वैल्यू आर माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर और टी डी टी और नीचे टी। अरे वाह टी से टी भी कैंसिल करवा दिया यार, तो मजा आ गया भाई, कोई गलती तो की नहीं। अभी एक माइनस साइन का घबला है तो वो देख लेंगे, माइनस साइन बाद में देख लेंगे। ये रूट आर ये तो है ही, और एक टू भी है, टू भी बाहर ले ले, टू भी बाहर ले लिया। तो अब जो इंटीग्रेशन बचा है फाइनली वो है अंडर रूट आर माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये हो जाता है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, हाँ ये हो ही जाता है, शायद आपका भी सही होगा बट वो मैं उस समय लिख नहीं पा रहा था। तो ये इंटीग्रेशन फाइनली हो जाता है ठीक है। ये एक्चुअली जो फॉर्मेट है ये वही है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शायद कभी ये फॉर्मेट देखा हो आपने, आर को स्क्वायर फॉर्म में लिख दो तो ये वही फॉर्मेट, ये बड़ा जाना पहचाना फॉर्मेट है। तो अब मुझे इस इंटीग्रेशन की एकदम फाइनल वैल्यू लिमिट वगैरह रखने के बाद पाई अपॉन टू रूट टू आर टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन अंडर रूट जी। अबे आई की वैल्यू बताओ यार भाई, मैंने आई किसको माना ये भी तो देखो, मैंने वो सब चक्कर ही नहीं रखा। अच्छा पूरा आंसर बता रहे हो, ऐसे मत परेशान करो यार पूरा आंसर बता। अच्छा चलो ठीक है पूरा आंसर बता दो, चलो अच्छा बोल दो अंडर रूट जी बस है ना, और कुछ ये पूरा आंसर ज्यादा जोश में आपने पूरा आंसर बताया। एक्चुअली मैं टी के टर्म्स में निकालना चाहता था, लेकिन खैर अभी भी मैं निकाल लूंगा। मैं सोच रहा था कि मेरा आंसर ऐसे ना हो, इस रूप में ना दिखे, ऐसे देखने में क्या है कि कोई कहेगा जी कहां से लाए, एम कहां से लाए, ये कहां से लाए, लेकिन फिर हमें टी की वैल्यू भी पता है। बार बार भूल जाता हूँ वो लिखी हुई है। अच्छा ये लिखी तो है टी की वैल्यू, तो टू पाई आर टू की पावर थ्री बाई टू और अंडर रूट जी एम, इस पूरे की जगह पर अगर मैं टी रख दू तो ये टी वन बराबर आ जा रहा है टी अपॉन फोर। भैया माफ करो यार परेशान कर लिया इसने, बस अब मुझे कुछ नहीं कहे। और कोई कहेगा कि आंसर ऐसे क्यों नहीं लिखा, अरे ऐसे कौन लिखेगा यार, ऐसे कौन लिखा? आप पहचानते हो कि कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, लेकिन ऐसे 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 बताओ 365 करते क्या, 365 365 डिवाइड बाय 4 रूट 2 ये दिन है जो आपकी जिंदगी में बचे हैं। अगर कितना है 60 65 दिन, लगभग 2 महीने बचे हैं आपके पास। क्या कह रहे हो